ऑप्शनल पेपर में हमने क्वेश्चन को रीअरेंज किया था, एक फॉर्मेट नया चेंज किया था, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हर सेक्शन का अनिवार्य किया था, दूसरा क्वेश्चन में दो विकल्प था, दोनों में से एक को करना था, फिर तीसरा क्वेश्चन दोनों में से एक करना। एग्जैक्टली वही पैटर्न हम GS1 एंड GS2 में 68th मेंस में वही इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन रखेंगे, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बीपीएससी 68वीं मेंस की परीक्षा में आयोग ने कई सारे बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि इसकी पूरी जानकारी जो है बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। इस पीटी में भी हम इसको बखूबी लागू करेंगे और इस बार कोई भी कंट्रोवर्सी से हम नहीं होगा। अब रही बात कि भविष्य में, जैसे मैंने कहा कि कई हम लोग चेंजेस करेंगे, तो हम 69th पीटी के बारे में बताने के पहले हम 68th मेंस का हम कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। 68th मेंस का की परीक्षा हमारे कैलेंडर के हिसाब से 12 मई को निर्धारित है, 12 मई से। उसमें जीएस का पेपर्स जो रहेगा, GS1, GS2 और SA, ये मेरे मुख्य पेपर्स हुए और क्वालिफाइंग नेचर के हैं, वो हिंदी है और ऑप्शनल पेपर है जो MCQ बेस्ड है। इसमें GS पेपर 1 एंड पेपर 2 जो रहेगा, ये क्वेश्चंस को हम रीअरेंज करेंगे। सिलेबस सब वही है, क्वेश्चंस की संख्या भी करने की उतना ही रहेगी जितना पहले, लेकिन अभी आपने देखा होगा 67th मेंस के ऑप्शनल पेपर में हमने क्वेश्चन को रीअरेंज किया था, एक फॉर्मेट नया चेंज किया था, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हर सेक्शन का अनिवार्य किया था, दूसरा क्वेश्चन में दो विकल्प था, दोनों में से एक को करना था, फिर तीसरा क्वेश्चन दोनों में से एक करना। एग्जैक्टली वही पैटर्न हम GS1 एंड GS2 में 68th मेंस में वही इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन रखेंगे। सिलेबस वही है, क्वेश्चंस के पैटर्न मतलब नंबरिंग सिस्टम रीअरेंजमेंट इस तरह से रहेगा। ऐसे के बारे में ज़्यादा हम लोगों ने नहीं बतलाया था, लेकिन हम अब ऐसे के बारे में बताएंगे। हमने जान करके उस समय नहीं लोगों को बताया, क्योंकि अभी पहले लोग पीटी अपने शांति से दे दें और जब पीटी जब वो कर लेंगे उसके बाद ऐसे की बात। ऐसे जो है वो कभी भी वो जीएस पेपर का एक्सटेंशन नहीं होगा, मतलब कि वो जीएस की जांच नहीं है। जीएस के लिए तो GS1 एंड GS2 है ही, जनरल स्टडीज का पेपर है ही। ऐसे जो रहेगा वो आपका राइटिंग स्किल और एनालिटिकल स्किल्स को ही देखेगा, वो आपके GS का फिर से परीक्षा नहीं ले रहे हैं हम, ऐसे अलग है, उसको GS से कोई लेना देना नहीं होगा। उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, 300 नंबर का है वो, इसमें 3 सेक्शन रहेंगे, 100-100 नंबर के 3 सेक्शंस रहेंगे, हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे, ये उसका फॉर्मेट रहेगा, 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे हर सेक्शन में, उसमें से एक करना है तीनों में। उसमें 2 तो आप समझें कि GS नहीं है, तो आप सिलेबस उसका सेम है जो कहीं भी रहता है, सिलेबस में हम कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मेरा मानना है कि उसके लिए आपको ऐसे न्यूट्रल टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें कि आपके अपनी जो एनालिटिकल स्किल है, विश्लेषण की क्षमता है और आपकी जो लेखनी की जो क्षमता है, उसका ही आपका करना है। आपको कोई उसके लिए विशेष कहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको जरूर प्रैक्टिस जरूर करने की जरूरत पड़ेगी। पढ़ना ज़्यादा नहीं है, आपको कोई भी चीज़ के बारे में अपना विचार जरूर रखना है, कोई भी चीज़, छोटा छोटा चीज़ भी हो सकता है, कोई बड़ा चीज़ हो सकता है, फिलोसफिकल चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहावत हो सकता है, मुहावरा हो सकता है, उसका आप एनालिसिस कीजिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, मान लें अगर ये एक सवाल है, तो कहने का मतलब है कि इसके लिए आप कोई किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कितना आप इसको किस तरीके से आप लिखते हैं, कोई लिख सकता है उसको बहुत ह्यूमरस तरीके से लिख सकता है, कोई उसको फिलोसफिकली लिख सकता है, कोई कुछ और लिख सकता है, तो ये आपके लेखन की क्षमता और आपके विश्लेषण की क्षमता को का आकलन है। और इसमें 4-4 ऑप्शन रहेंगे हर सेक्शन में और 100-100 नंबर के रहेंगे। तीसरा सेक्शन जो होगा वो थोड़ा बिहार ओरिएंटेड रहेगा, बिहार राज्य बिहार से ओरिएंटेड होगा। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका, जैसे मैंने बताया कि GS का वो पेपर नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है कि लिट्टी चोखा के बारे में आपको क्या कहना है, उसका
मतलब कुछ कुछ भी इस तरह का चीज पूछा जा सकता है जो कि बिहारी लोगों को उसमें फायदा होगा, और ये उद्देश्य भी है कि उनको प्राथमिकता मिले, इसलिए उसमें वो बिहार ओरिएंटेड और बिहारी संस्कृति, बिहारी कला, बिहार के बारे में मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी, कहावत जो जिस पर कि वो आधारित होगा। आपका जनरल नॉलेज का वो टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको बिहार के बारे में, बिहार के लोग जो रहेंगे वो उसको बखूबी समझेंगे और उसी तरह से रहेगा वो। उसमें खास करके उसके जो अगर हम मान लें कि कोई, हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यही क्वेश्चन रहेगा, हम खाली उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम बिहार में जैसे कहावत है भोजघड़ी कोहरा, ठीक है, भोजघड़ी कोहरा। अब बिहारी जो लोग होंगे वो अच्छी तरह समझेंगे इसको, भोजघड़ी कोहरा का क्या मतलब होता है। इसको अगर हम नॉन बिहारी अगर कोई बाहर से अगर आते हैं तो उनको थोड़ा कठिनाई होगी इसको समझने में। अगर हम इस हर मेरा क्वेश्चन जो रहता है वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो इंग्लिश में नहीं रहेगा, रोमन लिपि हो सकता है, मतलब कि इंग्लिश का में ट्रांसलिट्रेशन हो सकता है, मतलब हम भोजघड़ी कोहरा को हम BOJ BHOJ भोज घड़ी का GHDI इसी तरह से लिख देंगे उसको, लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमारे बारे में, बिहार के बारे में जो लोग ज़्यादा जानते हैं, जो समझते हैं, उनको प्राथमिकता मिले, और इसीलिए यह तीसरा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो ये हुआ हमारा इसका। ऑप्शनल में थोड़ा सा हम लोग जो MCQ है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें हम लोग थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं इसका। अभी हम लोग ने देखा कि इसको हमें 3 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शनल, क्योंकि यह MCQ बेस्ड है, इसलिए हम लोगों ने शायद 3 घंटा दिया हुआ था, इसको हम घटा करके 2 घंटा करेंगे, और इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। ऑप्शनल पेपर जो 68 मेंस का रहेगा वो MCQ बेस्ड है, उसमें 2 ही घंटा हम देंगे, 3 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। मेरा ये मानना है कि नहीं जुटेगा, नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए मेरा ये मानना है कि इसके लिए कोई, अगर कोई अपने BSc किया, BA किया, ग्रेजुएशन लेवल का जो भी पढ़ाई किया है किसी ने जिस विषय में, मेरा मानना है कि उसी विषय में वो अपना अगर लेता है, अपना चयन करता है उसका, तो उसको विशेष कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने अपना पढ़ाई ग्रेजुएशन का सही ढंग से किया है तो वही पर्याप्त होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा इसी तरह से रखा है। अब ये बातें हो गई कि 68 मेंस में, अगर इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं, नहीं तो फिर इसके बाद मैं थोड़ा 67 मेंस के, ये जो इसमें निबंध वाला है, तीनों पेपर का 100 नंबर है, स्क्रीन इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो नई टेक्निक से हमें एक फ़ायदा ये ज़रूर हो रहा है कि हम, एक तो कॉपी मेरा सील्ड है और सील्ड ही हालत में रहेगा, और स्कैन कॉपी पर हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, और एक आदमी, एक एग्ज़ामिनर को एक क्वेश्चन उस तर्ज पर दे रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है कि कोई मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी किया है। लेकिन चूंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो कागज़ पर करने का जो लोग जिसे यूज टू हैं, उसको अगर स्क्रीन पर काम करना, माउस से काम करना, तो थोड़ा दिक्कत ज़रूर हो रही है, तो मैं भी समझता हूँ इस मामले में थोड़ा स्पीड उस तेज़ी से नहीं हो रहा है जिस तेज़ी से हम लोग चाहते थे, या जो हम लोगों ने कैलेंडर में जो जिस तरीके से दिया था, तो थोड़ा विलंब होगा उसका रिज़ल्ट निकालने में, मेंस का रिज़ल्ट करने में, लेकिन मैं उस गैप को, जो डिले को मैं कंपनसेट करने की कोशिश करूँगा, इंटरव्यू जो होगा उसमें नंबर ऑफ बोर्ड्स हम ज़्यादा रखेंगे, ताकि हमको इंटरव्यू में हम बचत कर लें समय का, और टोटल हम बाय एंड लार्ज जो हम लोगों ने अंतिम जो रिज़ल्ट जो कहा है उसी को पकड़ लेंगे। अब हम लोग चलें, अब 68 PT सबके अथक प्रयास से आज। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां आज 68वीं PT की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, और आने वाले दिनों में
की पीटी के बाद मेंस की परीक्षा होगी। ऐसे में आयोग ने मेंस एग्ज़ाम को लेकर कई सारे बदलाव किए हैं, जिसकी पूरी जानकारी जो है वो बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दी है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।